देखिए, सेकंड जो टेक्निक है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम जो करेंगे क्वेश्चंस, वो किस तरह से करेंगे, वो किस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे हमें, तो आंसर है कि वहाँ पर एक पॉलिनोमियल कोई ऊपर लिखा होगा, एक कोई पॉलिनोमियल नीचे लिखा होगा। यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स की डिग्री है वो क्या हुई, लेस, किससे, डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, ठीक है। अगर डिग्री कैसी हुई, लेस, तब उस केस में ये जो रैशनल है ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर है। कैसा है, प्रॉपर रैशनल, ठीक है। और अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स कैसी हुई, ग्रेटर, किससे, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अगर ऊपर वाली डिग्री बड़ी हुई और नीचे वाली छोटी हुई, तब ये कहलाएगा रैशनल क्या, इम्प्रॉपर। फिर हम इम्प्रॉपर को क्या बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को करने से पहले। और इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस कराएंगे, डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस कराएंगे, तब वो क्या बनेगा, प्रॉपर बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पर जो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, नीचे जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो नीचे वाले की डिग्री क्या है, ज़्यादा, ऊपर वाले की कम, इसका मतलब ये जो है वो कैसा है, प्रॉपर। कैसा है, प्रॉपर। और अगर ये प्रॉपर है तो फिर इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस तरह से किया जाएगा, तो आंसर ये है कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लाइक जैसे ऊपर मान लो पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए ए एक्स प्लस बी है, और मान लो कुछ सी एक्स प्लस डी है, इस तरह से लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसके, इसको ए के नीचे ए एक्स प्लस बी को अलग लिख लेते हैं, और बी के नीचे सी एक्स प्लस डी को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो ब्रैकेट हैं उनको क्या कर देते हैं, ए के नीचे अलग और बी के नीचे अलग, इस तरह से करते हैं। तो पहले आप यही वाली प्रोसेस कराओ, सबसे पहले इसके अंदर क्या करोगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको आप लिख लोगे ए के नीचे पहला ब्रैकेट और बी के नीचे दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद के स्टेप बिल्कुल आसान से स्टेप हैं। इसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू आएगा। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो क्या बचेगा, बोलो, एक्स प्लस टू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए के साथ। फिर इसके बाद एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, एक्स प्लस वन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस में होगी। जब भी आप एलसीएम लोगे तो इधर वाला डिनोमिनेटर और इधर वाला डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन। जैसे ही आप डिनोमिनेटर को क्या करते हो, सेपरेट करते हो, तो सेपरेट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसे नाम दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। जहाँ से स्टार्ट करोगे पार्शियल फ्रैक्शन करना उसे फर्स्ट, और जब डिनोमिनेटर कैंसिल कर दोगे तो इसे कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन के अंदर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर लो, पहला वाला ब्रैकेट क्या, जीरो के इक्वल पुट कर लो, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, माइनस वन आएगी। ये x की वैल्यू माइनस वन पुट कर दो इस सेकंड इक्वेशन में,
पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस वन, यहाँ पर पुट करोगे माइनस वन प्लस टू, और यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अगर देखो तो a इक्वल्स टू ये कितना बचेगा, वन, वन से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, माइनस वन। ये आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये वैल्यू कब निकल कर आई, जब हमने पहले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखकर x की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर पुट की। अब इसी तरह से सेकंड वाला जो ब्रैकेट है x प्लस टू, उसको जीरो के इक्वल पुट कर लो, क्या आएगी वैल्यू, माइनस का टू। ये जो x की वैल्यू आई है इसको अगेन यहाँ पर पुट कर लो, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो माइनस टू एक्स की वैल्यू प्लस, यहाँ पर माइनस टू पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर पुट करो b माइनस टू प्लस वन, ये कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन से माइनस टू कैंसिल हुआ होगा टू टाइम, तो b की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, टू। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनो, जब भी आपके पास इस तरह के दो लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो, तो a अपॉन पहला लीनियर पॉलिनोमियल, फिर b अपॉन दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर एलसीएम लोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर पहले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखकर x की वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू आ जाएगी, या कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यू पुट करो तो आपके पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ तीन ब्रैकेट होते तो तीसरे वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करके फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते तो तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती। तीसरे कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ तीन ब्रैकेट होते तो तीसरा वाला ब्रैकेट प्लस c के नीचे लिखा जाता, अगर यहाँ पर चार ब्रैकेट होते तो फिर चौथा d के नीचे लिखा जाता, एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, ये a और b की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करनी है, तो आंसर है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना इस वाले स्टेप को, यही मेन स्टेप है। हमें इंटीग्रेशन करना था किसका, x अपॉन x प्लस वन और x प्लस टू डी एक्स, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक, बट ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, इसके, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ। इस क्वांटिटी को हम ये कहते हैं, और जिसमें से a को हम क्या कहते हैं, माइनस वन, अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस वन डी एक्स प्लस, और b, b क्या है, टू, अपॉन में क्या, x प्लस टू और डी एक्स। ठीक है, तो इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं, और इसमें हम a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करना देखो कितना आसान हो गया, माइनस ऐसे ही, ठीक है, वन अपॉन x प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग x प्लस वन, वन अपॉन x का लॉग x होता है, वैसे लॉग इसका लॉग x प्लस वन हो जाएगा। सिमिलरली टू ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, लॉग x प्लस टू, लॉग, ठीक है, x प्लस टू बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस टू को आप ऊपर ले जा सकते हो, हाँ या ना, टू को ऊपर ले जा सकते हो, तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा लॉग x प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी चल रही है, माइनस में, जो माइनस में होती है चीज वो कहाँ आ जाती है, अपॉन में। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो फाइनल आंसर हम देंगे वो ऐसे दे दोगे, या इसको चाहो तो होल मोड बनाकर, होल मोड बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ दोगे अपने आंसर को। ठीक है, क्लियर, इस तरह से छोड़ दोगे। तो एक बार फिर से देखो कैसे करोगे आंसर, सबसे पहले काम तो इन लीनियर टर्म को ए और बी के नीचे लिख लेना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन आएंगी, वन बाय वन ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू पुट करते जानी है, वहाँ से ए और बी की वैल्यू आएंगी, वो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करके दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, हाँ, सब में बिल्कुल एक जैसे स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो टू है उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर टू में वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, है ना, इसको क्या लिख लोगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा वन अपॉन
क्या a प्लस बी और a माइनस बी, फिर इसको क्या करोगे, पहले वाले ब्रैकेट को किसके नीचे लिखोगे बोलो, a के नीचे, आया ना प्रॉपर बनाने इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, है ना, और फिर b को किसके नीचे, x माइनस थ्री के नीचे। फिर इसके बाद के सारे स्टेप वही सेम रहेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करते हैं, जो इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन जो आ जाती है उस इक्वेशन में वन बाय वन ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रख लो, वहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करना, फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रख लो, वहाँ से वैल्यू पुट करना। इसमें भी यही करोगे, पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, फिर इसको वैल्यू पुट करोगे, ठीक। फिर इसके बाद ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, फिर इसके बाद जब इंटीग्रेशन करा रहे होगे तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, लॉग एक्स प्लस थ्री और इसका लॉग एक्स माइनस थ्री, और जो ए और बी आए होंगे वो और साथ में चल रहे होंगे बस आगे, इतना सा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो इसमें इंटीग्रेशन किसका कराना है, थ्री एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नीचे तीन हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री को सबसे पहले a के नीचे किसको लिख लेंगे, x माइनस वन, फिर हम b के नीचे लिखेंगे x माइनस टू, प्लस c के नीचे लिखेंगे x माइनस थ्री। इसके बाद के सारे स्टेप बिल्कुल सेम चलेंगे। सबसे पहले क्या लोगे बोलो, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगी एक इक्वेशन, ये ध्यान रखना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। इसके बाद आपके पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन, उस इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, पहले x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू वन आएगी, वो यहाँ पुट करके एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकलेगी, फिर x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, टू, वो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकलेगी, फिर x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू थ्री आएगी, वहाँ पर इस फिर से पुट करोगे इस इक्वेशन में तो तीसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a, b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी होंगी। फिर आप जब इनका इंटीग्रेशन करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आंसर क्या आ रहे होंगे, वन, a की जो भी वैल्यू आई हो, टू थ्री फाइव, ये तो कॉन्स्टेंट रहा होगा ना कुछ, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस टू एंड वन अपॉन लॉग एक्स माइनस थ्री, बस ए बी सी और चल रहे होंगे साथ में, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद सिमिलरली अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करो, इसमें इंटीग्रेशन कराना है x अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड x माइनस थ्री, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोगों को करना है पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तो x अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, इसमें इसको लिखेंगे ए के नीचे एक्स माइनस वन को, फिर बी के नीचे किसको, एक्स माइनस टू, फिर सी के नीचे एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, ऐसा आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना, तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, ठीक है। तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, a के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x माइनस टू एंड ये दोनों ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई में आएंगे, ऐसे ही x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, अब x माइनस वन और x माइनस थ्री इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x माइनस वन और x माइनस थ्री, ठीक है। और फिर साथ में और क्या चल रहा होगा, प्लस सी, अब x माइनस थ्री से ये कट गया, ये दोनों ब्रैकेट इसके साथ आ जाएंगे, क्या क्या आएगा, x माइनस वन एंड x माइनस टू, ये हो गया क्या इसका एलसीएम। और इधर क्या चल रहा है, x अपॉन, ये सारी क्वांटिटी ऐसे चलने दो, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। अब इधर वाला एलसीएम से जो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमीटर से डिनोमीटर,
अब हमारे पास बचा क्या है, x बचा और इक्वल्स टू में a के साथ x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस b के साथ x माइनस वन और x माइनस थ्री प्लस c के साथ x माइनस वन और x माइनस टू। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता है बोलो। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वन बाय वन ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करते जाओ और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाओ। तो वही कर रहा हूँ, सबसे पहले x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है, x माइनस वन को जीरो के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, वो वैल्यू वन पुट कर रहा हूँ, तो वन इक्वल्स टू a, यहाँ पर x की वैल्यू वन, यहाँ पर x की वैल्यू वन, ठीक। अब देखो यहाँ वन रखोगे ये जीरो, यहाँ वन रखोगे ये सब जीरो, तो सिर्फ यही बचा होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आएगी, ये कितना आएगा माइनस वन, ये कितना आएगा माइनस टू, ये कितना हो गया टू, टू कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये निकल कर आ गई किसकी वैल्यू a की वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद पहले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रख चुके, अब x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी टू, ये x की वैल्यू टू इस इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पर x की जगह लिखोगे टू इक्वल्स टू, यहाँ पर टू लिखोगे ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर रखो b टू माइनस वन और टू माइनस थ्री, और यहाँ टू रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, टू b, ये कितना वन और ये कितना माइनस का वन, ये माइनस वन डिवाइड में आएगा तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का टू, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट भी रख चुके, अब तीसरा ब्रैकेट जीरो के इक्वल रख लो, x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी थ्री, ये x की वैल्यू थ्री इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ अगर मैं थ्री रखूँगा तो ये क्वान्टिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ थ्री रखूँगा तो ये क्वान्टिटी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो थ्री, और यहाँ पर रख दो थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू, थ्री ऐसे ही ठीक है, सी ऐसे ही ठीक है, यहाँ कितना आएगा टू, यहाँ कितना आएगा वन, टू से डिवाइड करा दो तो थ्री बाय टू, ये बच्चों हमारे पास निकल कर आ जाएगी किसकी वैल्यू c की वैल्यू, ठीक। a पता है, b पता है, c पता है, ये a b और c की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन कराना था x अपॉन x माइनस वन x माइनस टू और x माइनस थ्री का, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल चल रही है, a अपॉन x माइनस वन, तो यहाँ पर लिख लो a, a क्या है वन बाय टू, वन बाय टू अपॉन x माइनस वन, और प्लस b, b कितना है माइनस टू अपॉन में क्या x माइनस टू, प्लस c, c कितना है थ्री बाय टू अपॉन में क्या x माइनस थ्री। तो ये जो टर्म है ये a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस टू और c अपॉन x माइनस थ्री चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करा देंगे, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या होगा कि ये वन बाय टू तो आगे आ गया होगा, और वन अपॉन x माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना होता है log x माइनस वन, प्लस या ये माइनस टू आगे आ गया होगा, वन अपॉन x माइनस टू का इंटीग्रेशन log x माइनस टू, थ्री बाय टू आगे आ गया होगा, और वन अपॉन x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन log x माइनस थ्री प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो अगर आप देखो तो सारे स्टेप सेम ही चल रहे होते हैं। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्लस सी लिखना था जो मैंने पहला सॉल्व किया था, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका स्टेप, ये जो स्टेप लिख कर दिए है ना, ये स्टेप बिल्कुल सब सारे क्वेश्चंस में ऐसे चलेंगे, ठीक है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे,
पहले क्या करना है, ए बी सी के इक्वल रखना आसान होता है, एलसीएम लेना आसान होता है, फिर वन बाय वन जीरो के इक्वल पुट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, वो यहाँ पर पुट कर दो, इंटीग्रेशन के इनके आंसर वन अपॉन, क्योंकि एक्स देख की फॉर्म में होते हैं तो लॉग एक्स ही आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आसान से क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन कराकर देना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसकी डिग्री लेस है, लेस नहीं सॉरी ग्रेटर है, कैसी है, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है किससे, न्यूमिनेटर से। तो जब तक डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो तब तक उस क्वेश्चन को सिंपल प्रॉपर है क्योंकि वो, तो इसलिए सिंपल ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, इसमें से x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 2 का और एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 1 का। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, 2x अपॉन x प्लस 1 आ रहा है और x प्लस 2, अब ये क्वेश्चन बन गया ना बिल्कुल वैसा ही जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया है ना, बल्कि इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में वो छोटा है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट दिए हुए थे जबकि इस वाले में सिर्फ 2 ही ब्रैकेट हैं। हो जाएगा, क्या करोगे, इसको ए के नीचे लिखोगे x प्लस 1 और बी के नीचे, फिर उसके बाद LCM, फिर उसके बाद ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू पुट करना, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएंगी, a b और a और b की, क्योंकि दो ब्रैकेट है तो a और b की वैल्यू आ जाएंगी, a और b पता चल जाएगा, उसके बाद 1 अपॉन x वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद आज के आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अपॉन 1 माइनस 2x, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की ही डिग्री इक्वल है, तो जब आपके पास ये वाली कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन, कि जब डिग्री न्यूमरेटर की या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, कैसी हो, यहाँ पर साथ में ध्यान रखना इक्वल का भी साइन आना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तब उस केस में हम कौन सी प्रोसेस कराते हैं, डिवीजन, क्योंकि वो इम्प्रॉपर है रैशनल अभी, तो उसे प्रॉपर बनाने के लिए डिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करा रहे हैं, तो डिवीजन देखो कैसे कराओगे, लॉन्ग डिवीजन चलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कराना है किससे, इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर आएगा और x आएगा, यही तो बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा होगा और प्लस का x, ऐसे चल रहा होगा, ये जो अंदर डिवाइड कराना है इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या बोलो, 1, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कराना है, अब हमारा टारगेट है ये लेकर आना, अब इसको कैसे लाया जाए, तो इसमें यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखूँगा जिसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कराऊँगा कि ये आ जाए, वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो वो पता कैसे करोगे, देखो पता करने का तरीका बता रहा हूँ, ये जो हमारा टारगेट है ना, जो हमें लाना है उसको डिवाइड करा लो इसके यहाँ पर लिखे हुए पहले टर्म से, तो यहाँ माइनस से माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा, 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स से कराओगे तो बताओ क्या आएगा, बोलो 1/2 एक्स, अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का, ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी, माइनस की, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचा हुआ है और माइनस का
वन अपॉन टू एक्स, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस क्वांटिटी को आप लिखोगे कैसे? तो लिखने का तरीका वही सिंपल यूक्लिड के, जो आपने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी ना, टेंथ लेवल पर कहीं पढ़ी होगी, 2, 3 जा 6 कराओ, माइनस क्या आ जाता है 1। तो हमारा जो ये 7 है, जो हमारा डिविडेंड है, वो किसके इक्वल होता है, 2 × 3 आया ना, और प्लस ऐसे तो हुआ करता है। तो वही सेम काम आपको यहाँ पर करना है कि ये जो आपका ऊपर जो टर्म चल रहा है ना, ऊपर जो टर्म चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1 − x², इसको हम लोग क्या लिख पा रहे होंगे, तो आंसर है दिस इंटू दिस, है ना, यही तो होगा, दिस इंटू दिस। तो लिख लो इसको 1/2 × में क्या, −2x² + x, ऐसा लिखोगे, और प्लस में वहाँ पर क्या आ रहा होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर आपके पास क्या है बोलो, 1 − 1/2 x। तो अब हम क्या करेंगे, 1 − x² लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम अपने न्यूमरेटर को लिख सकते हैं क्या, दिस। ठीक, क्या है ये बोलो, 1/2 − 2x² + x, और प्लस में क्या, 1 − 1/2 x, ऐसा। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, ये क्वांटिटी दरअसल क्या है बताओ, यही तो है, क्या है, माइनस का 2x² + x, यही तो है, ये माइनस का 2x² + x। इसको जो डिनोमिनेटर को लिखो उसको सेपरेट करके लिख देना, ठीक है, उस तरह से। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर बचेगा क्या, तो आंसर है यहाँ पर 1/2 बचा, प्लस ये क्वांटिटी अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर, और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो मैंने ये पूरा करके दिखा दिया है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में आप ये बात ध्यान रखना कि डिवीजन कराने के बाद आपका जो ये रैशनल होता है, इस रैशनल को लिखा जा सकता है क्या, तो आंसर है कोशेंट। क्या लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, क्या लिखा जा सकता है, कोशेंट। ये हमारा कोशेंट ही तो आया था, आया ना बोलो, 1/2 हमारा क्या आया था, कोशेंट, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी था हमारा, जो भी डिवाइजर था, ठीक है। तो इस टर्म फॉर्म को याद रखना कि बाद में जो हमारा px/qx होता है, इसको लिख दिया जाता है क्या, कोशेंट, ठीक है, प्लस क्या, रिमाइंडर, और अपॉन में क्या बोलो, डिवाइजर आपका दरअसल यहाँ पर qx ही होता है, ऐसे लिख दिया जाता है, ये आ गया, ठीक। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली करा दो। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन तो आपको करना आता है, अब आपको इंटीग्रेशन इतने पार्ट का और करके देना है, आया ना, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे कराएंगे, तो आंसर ऊपर एक लीनियर टर्म लिखा हुआ है, और नीचे जो टर्म लिखा हुआ है, ये दरअसल दो ब्रैकेट हैं, कौन कौन से ब्रैकेट हैं, ये एक्स और 1 − 2x, एक्स है और क्या है, 1 − 2x। अब ए के नीचे पहला लीनियर पॉलिनोमियल और बी के नीचे दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे लिख लो, तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा ये। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप बोलो, एलसीएम ले लो, ए के साथ क्या आ जाएगा, 1 − 2x, और बी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स, और इधर चल रहा है 1 − 1/2 x, और अपॉन में एक्स 1 − 2x, इस क्वांटिटी से ये कैंसिल, तो 1 − 1/2 x, और इधर a 1 − 2x + bx, ये बच्चों आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे बोलो, अब 1/1 दोनों ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करोगे, पहले किसको जीरो के इक्वल रखोगे,
एक्स को जीरो के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो ही आ गई। अब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो क्या बचेगा बोलो, सिर्फ वन बचा, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारे पास ए वन माइनस टू इंटू, ठीक। तो अब यहाँ पर भी वन बचा, वन से डिवाइड कराओगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट करोगे, किसको जीरो के इक्वल, वन माइन किसको, वन माइनस टू एक्स को जीरो के इक्वल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बोलो, वन बाय टू ये आ रही होगी। अब ये एक्स की वैल्यू वन बाय टू पहले यहाँ पर पुट करो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, वन बाय टू, ठीक। अच्छा यहाँ पर अगर आपने वन बाय टू रख दिया तो टू से टू, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बचा सिर्फ बी इंटू वन बाय टू, ये कितना है वन बाय फोर, तो इसको सॉल्व करोगे तो थ्री बाय फोर बचा, ठीक है, और टू से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, टू टाइम, ठीक। तो बी की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, थ्री बाय टू। अब हमारे पास ए आ चुका और बी आ चुका, अब हमें उसका इंटीग्रेशन करना आ गया, कौन से टर्म का, इस वाले टर्म का, ठीक है, क्योंकि इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है, ए अपॉन एक्स, है ना। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा बोलो, वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स, वन अपॉन टू एक्स, और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कैसे कराओगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू कितनी आई है देखो, वन, ए की वैल्यू वन आई है, यानी कि ए की जगह वन लिख देंगे, वन अपॉन एक्स, और प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स, बी की वैल्यू देख लो कितनी आई है, थ्री अपॉन टू, तो बी की जगह लिख दो थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, और इंटीग्रेशन में क्या चल रहा होगा, वन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका तो प्लस में क्या चल रहा होगा, सी। अब वन बाय टू एक्स ऐसे ही, ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स, और प्लस थ्री बाय टू ऐसे ही, ठीक है, इसका कितना आएगा, वन माइनस टू एक्स, और वन माइनस टू एक्स का दोबारा होगा, आया ना, तो कितना आ रहा होगा डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का टू, वो माइनस का टू कहाँ पर लिखोगे बोलो, डिवाइड में, कहाँ पर लिखोगे, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, सी। अब वन अपॉन टू एक्स ऐसे ही, ठीक है, प्लस लॉग एक्स भी ऐसे ही, ठीक है, और ये माइनस और प्लस माइनस, और ये टू इंटू टू कितना, फोर, और साथ में क्या चल रहा है, लॉग वन माइनस टू एक्स, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, वन अपॉन टू एक्स तो ऐसे, ठीक है, या फिर यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर प्लस में क्या लिख लो, सी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन कराया गया और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ, और डिवीजन के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर ओपन करके बता दिए हैं, सुनो ध्यान से वन बाय वन। सबसे पहली चीज, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का जो डिग्री है वो दोनों की डिग्री कैसी है, इक्वल। एक्स का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो अंदर माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाता है और प्लस एक्स, प्लस क्या बन जाता है, एक्स। अगर आप देखो तो ऊपर भी पावर 2 है तो डिग्री 2 हुई, यहाँ पर भी पावर 2 है तो डिग्री 2 हुई, दोनों की डिग्री सेम है तो इसलिए डिवीजन होगा। अब इस टर्म से ऊपर वाले टर्म का डिवीजन कराया, डिवीजन जब कराया तो डिवीजन कराने पर हमारा कोशेंट कितना आया, हाफ, और रिमाइंडर आया 1 माइनस वन अपॉन टू एक्स। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह का डिवीजन जब आप करा लेते हो तो डिवीजन कराने के बाद ये जो क्वांटिटी है, ये जो रैशनल टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा जा सकता है कोशेंट प्लस
रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, या डिवाइजर कहो या डिनोमिनेटर कहो, वो यहाँ पर एक ही बातें हैं, ठीक है। तो हमने वही किया है, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही हुआ करता है। तो मैंने आपसे यही बोला कि जो हमारा डिविडेंड था है ना, वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस में क्या ये क्या लिखा हुआ है बोलो, रिमाइंडर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो यानी कि ऊपर वाले टर्म को ये लिखा जा सकता है, जब आप मैंने ऊपर वाले टर्म को लिखोगे ना, मतलब न्यूमरेटर को जब ऐसे लिखोगे और जो डिनोमिनेटर है उससे सेपरेट करोगे, तो आपको हमेशा ये मिलेगा, क्या मिलेगा कि यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर बचेगा कोशेंट, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर और अपॉन में क्या डिवाइजर। तो इसलिए अब आगे से ये स्टेप्स आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं, ये स्टेप हमें कहीं पर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो हमने अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप ध्यान से देखो, इसके बाद हमने ये किया कि सीधा जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, जो हमारा रैशनल नंबर चल रहा था, उस रैशनल नंबर को हमने सीधा सीधा लिख दिया, क्या लिख दिया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये डिवाइजर वही डिनोमिनेटर है जो पहले से चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो करना आता है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस जगह पर। तो इस जगह पर अब हमें पता है कि न्यूमरेटर की डिग्री अब डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो चुकी है, तो अब प्रॉपर बन गया, प्रॉपर का हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है कि पहले वाले लीनियर टर्म को लिखो ए के नीचे और दूसरे वाले को लिखो बी के नीचे, ठीक। फिर उसके बाद एलसीएम लेना, इक्वेशन लिख बनना, ए और बी की वैल्यू निकलना, वो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और फिर उसके बाद उनके इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है डिग्री ऑफ किससे, न्यूमरेटर से। तो ये कैसा रैशनल है, प्रॉपर। तो हम इसका पहले हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x अपॉन में हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1 और क्या गिवन है, x माइनस 1। अब जब इस तरह की जब फॉर्म आती है आपके पास, जब हमारा जो टर्म है वो लीनियर नहीं होता, एक तो लीनियर है हमारे पास तो उसको तो हमें पता है हम a के नीचे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे उसे, x माइनस 1, जो लीनियर वाला पॉलिनोमियल है वो तो लिख लेंगे। अब दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी यूज करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बात ध्यान रखो, अगर यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1, तो इससे ऊपर जब लिखा जाएगा तो वो कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा, उससे एक कम डिग्री वाला, एक कम डिग्री वाला कौन होगा यहाँ पर, जैसे इसकी डिग्री 1 है तो ये कॉन्स्टेंट ही तो लिखा है ऊपर, कॉन्स्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0, तो उससे एक कम वाला हो गया। अब अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो जब आप ऊपर लिखोगे तो उससे एक कम वाला लिखोगे, उससे एक कम वाला कौन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप एलसीएम लोगे, अब बाकी सारे स्टेप वही सेम रहेंगे, एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से ये कैंसिल होकर ए इसके साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, बी के साथ क्या, बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा बोलो, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हुआ, एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई आ गया। और इधर क्या चल रहा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, x बचा हुआ है, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x माइनस 1। अभी तक हम क्या करते थे कि जहाँ इस स्टेप के बाद जितने भी ब्रैकेट हैं उनको 1 by 1 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू पुट करते जाते थे, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में है, ठीक है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेंगे
ठीक है, और सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट एक साथ रख लेंगे, एक्स वाले सारे एक साथ रख लेंगे और कॉन्स्टेंट वाले एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन कैसा नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ए का मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और इधर बी एक्स का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या आएगा बोलो, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर सी का कराओ, सी एक्स माइनस सी, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए और बी ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर आप देखो ध्यान से, तो इन दोनों में से माइनस बी और क्या प्लस सी, इसके साथ क्या आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से एक्स आ रहा है, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या बचा हुआ है, देखो ए बचा हुआ है और माइनस का सी बचा हुआ है, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाले सारे एक साथ लिख लो, एक्स वाले एक साथ, और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म बचे हुए हैं वो एक साथ लिख लो, और इधर क्या चल रहा है एक्स। अब अगर आप देखो कंपेरिजन कराओ, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर कंपेयर कराओ तो ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ, जीरो के। अच्छा माइनस का बी प्लस का सी किसके इक्वल हुआ, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट ये है माइनस बी प्लस सी, और यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है वन, ये आ जाएगा। अच्छा इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस सी, इधर तो कोई कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो प्लस में जीरो लिख लो, और कंपेयर कराओगे तो क्या आएगा जीरो, तो ए माइनस सी जीरो के इक्वल आ गया। अब ये तीन इक्वेशन बनी हैं, इन तीनों को आपस में सॉल्व करना है, कैसे करोगे देखो, यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए और सी इक्वल आ जाएंगे, ठीक। अच्छा और यहाँ से बी किसके इक्वल आ जाएगा, या फिर मैं ये कहूँ थोड़ी देर के लिए ऐसे कह सकता हूँ कि ए इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस बी के, ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना यहाँ पर, यहाँ भी माइनस बी लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस, यहाँ भी सी लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है ए, और ये कितना बन गया टू ए, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ए की वैल्यू वन बाय टू है तो सी की वैल्यू भी कितनी होगी वन बाय टू, अगर ए की वैल्यू वन बाय टू है तो बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का वन बाय टू। ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर आप कहाँ पर पुट कर दोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में, और इसमें जो सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी, जहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कलेक्ट कर लिया, एक्स कलेक्ट कर लिया, कॉन्स्टेंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तब आपका डायरेक्टली इस टर्म का इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखो हमें जो इंटीग्रेशन निकालना था वो किसका निकालना था, एक्स अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन और क्या एक्स माइनस वन डी एक्स। इसमें से हमने ए के नीचे एक्स माइनस वन लिख लिया था, ए हमारे पास कितना है वन बाय टू, और इसके नीचे क्या ए अपॉन एक्स माइनस वन हो गया डी एक्स, प्लस फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को किसके नीचे लिखा था बोलो, बी एक्स प्लस सी के नीचे, हाँ या ना, यहाँ पर हमने बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो वहीं पर वही मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है बोलो माइनस वन बाई टू, साथ में क्या आएगा एक्स, और प्लस में क्या सी, प्लस में क्या सी, बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन इसका करना था, बट हमने लिखा था a अपॉन दिस और a की वैल्यू 1 बाई टू है, और बी एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू 1 माइनस वन बाई टू एक्स प्लस सी, और इसके नीचे ये चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कराया जाएगा, तो आंसर है कि जो पहला वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, कितना होता है log x माइनस वन, लेकिन इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना भी बहुत आसान है। कैसे, देखो इस माइनस वन अपॉन टू, ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस वन अपॉन टू एक्स, इसके नीचे अलग लिख लो इसको, माइनस वन अपॉन टू एक्स के नीचे अलग,
एक्स स्क्वायर प्लस वन को, ठीक है, डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को इसके नीचे अलग लिख लो वन बाय टू के साथ डी एक्स, ठीक है, इस तरह से करो। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को माइनस वन बाय टू एक्स के नीचे अलग लिखोगे तो माइनस वन बाय टू तो आगे आ गया, एक्स के नीचे ये बन गया, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन को किसके नीचे लिखोगे, वन बाय टू, वन बाय टू के साथ ये आ गया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ सब्सिट्यूशन लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानोगे तो एक्स डी एक्स क्या बन चुका होगा, डी टी बाय टू बन जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो ध्यान से, इस स्टेप के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम क्या मान लेंगे, टी, तो यहाँ से ये बन जाएगा टू एक्स डी एक्स किसके इक्वल, डी टी, या एक्स डी एक्स किसके इक्वल, डी टी बाय टू के, ठीक। तो ये जो चल रहा है उसे तो चलने दो, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन टू, एक्स डी एक्स क्या बन चुका है बोलो, डी टी, डी टी बाय टू, तो यहाँ पर फोर लिख दूँ, इस जगह फोर लिख देता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या माना है, टी, वन अपॉन टू, ठीक है ये। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए, ठीक है, और टेन इनवर्स क्या, एक्स अपॉन ए, ए की जगह वन है, यहाँ पर ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, सी। अब वन अपॉन टू और लॉग एक्स माइनस वन, ये तो सब ऐसे ही ठीक है, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना, लॉग टी, और टी आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स और प्लस, ठीक है। इनमें से अगर कुछ कॉमन वॉमन कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं अदरवाइज अपना यहीं पर आप आंसर छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें डिफरेंट फॉर्म क्या आई है कि जब हमारे पास नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री तो ज़्यादा है न्यूमिनेटर से, तो यानी प्रॉपर है, वो प्रॉपर तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें सब लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हुए थे, बट यहाँ पर लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक भी लिखा हुआ है, तो लीनियर को तो कॉन्स्टेंट के नीचे लिखा जाएगा बट क्वाड्रेटिक को लीनियर पॉलिनोमियल के नीचे लिखा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर बी एक्स प्लस सी यूज किया है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ये लिखने के बाद फिर बाकी के कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अलग आया हो, बाकी के सारे स्टेप लगभग सेम ही हैं, यहाँ पर बस केवल ये चेंज कर दिया कि पहले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल लिख रहे थे, अब हम ब्रैकेट को जीरो के इक्वल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन की जब बारी आएगी जीरो के इक्वल लिखने की, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो चुका होगा, माइनस वन के, अब कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कराकर एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट एक साथ रख लेंगे, फिर कॉफिशियंट को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराने पर ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि ए के नीचे ये लीनियर लिखा है ये तो वैसे ही हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, बट इसमें सभी क्वेश्चंस के अंदर सेपरेट करना होता है डिनोमिनेटर, और उन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक जगह क्या बनेगा, सब्सिट्यूशन, एक जगह क्या बनेगा, सब्सिट्यूशन, और दूसरी जगह क्या बनेगा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है हमेशा, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार, डाउनलोड दी ऐप नाउ।